वेलकम बैक टू आरजे किचन। आज मैं आप लोग के साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। जी बटर स्कॉच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून शुगर लिया है, 1 टीस्पून इसमें बटर जाएगा और साथ ही मेरे पास बादाम है तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा बीच में से कट लगा दिया है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बटर स्कॉच बनाने के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ml फ्रेश क्रीम ली हुई है। 1 टीस्पून इसमें बटर स्कॉच एसेंस जाएगा और यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया हुआ है, येलो फूड कलर है। इसमें 1/4 कप चीनी जाएगी और यहाँ पे 1.5 कप हम इसमें दूध डालेंगे। तो चलिए पहले जो है वो बटर स्कॉच तैयार करते हैं, इसके बाद फिर हम आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन लिया है और इसमें हम जो चीनी है 3 टेबलस्पून वो हम डाल देंगे और इसको हम मीडियम आंच पे कैरमलाइज करेंगे। तो जी देखिए चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, मैंने आंच बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। अच्छा ये देखिए ये चीनी हमारे पास बिल्कुल कैरमलाइज हो गई, बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे मैंने बिल्कुल आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम कर स्लो कर दी है। अब इसमें जो बटर है वो मैं ऐड कर लूंगी। और साथ में जो हमारे पास बादाम है वो हम डाल देंगे। बस आंच जो है वो बंद कर देंगे, उसको हम उतार लेंगे। पेपर पे मैंने थोड़ा ऑयल जो है वो लगा दिया, अब इस पे ये ट्रांसफर कर दूंगी। इसको अच्छे से फैला दे। अच्छा ये काम आप लोगों ने बहुत जल्दी करना है क्योंकि ये फिर जो है वो पैन में ही हार्ड हो जाएगा। हमारे पास जो बटर स्कॉच है वो अच्छी खासी जो है वो ठंडी हो चुकी है, इसको हम तोड़ देंगे। अच्छा जी यहाँ पे जो है वो शॉपर मैंने रख दी है, उसको इसके ऊपर रख दे और फिर बेलन की मदद से हम इसको यहाँ पे बिल्कुल इसका जो है वो चूरा बना लेंगे, उसको हम क्रश कर लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास बीटर है तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे बीटर से बीट करना है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो यहाँ पे मैं जो मिक्सी है ग्राइंडर उसका यूज करूंगी। अच्छा जी ग्राइंडर लेके उसमें हम जो हमारे पास जो 250 ml क्रीम है वो हम डाल देंगे। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम चलाएंगे और चीनी डालते जाएंगे। जब बिल्कुल चीनी जो है वो चीनी और जो क्रीम है बिल्कुल दोनों क्रीम फॉर्म में बन जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालूंगी। अच्छा चीज को हम निकाल लेंगे एक बॉल में, इसको अच्छे से इसको क्रश कर लिया। अब जो हमने जो बैटर तैयार किया था उसका जो क्रीम है और चीनी का जो हमने ग्राइंड किया था उसमें हम डाल देंगे, हाफ इसमें हम डाल देंगे और हाफ बाद में जब ये रेडी हो जाए तब हम गार्निश करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून तक मैंने इसमें डाल दी। कलर है वो ऐड कर लूंगी और साथ में जो बटर स्कॉच एसेंस ये दोनों इकट्ठे हम डाल देंगे। मैंने जरा फूड कलर जो है वो कलर चेक कर लूं कि ज्यादा येलो तो नहीं हो रहा है। अच्छा जी हम डाल देंगे। अच्छा देखिए एक क्रंच इसमें हम, अब जो हाफ कप दूध है वो हम डाल देंगे। रेडी हो चुका है वो हम यहाँ पे कंटेनर एयरटाइट कंटेनर लेके उसमें हम डाल देंगे। प्लास्टिक जो रैपर है उसके साथ मैंने इसको कवर कर लिया, ऊपर जो है ये ढक्कन रख दूंगी और उसको तकरीबन आप लोगों ने 6 to 7 hours के लिए रखना है फ्रीजर में और इसके बाद फिर इसको हम चेक करेंगे। तो इसको हम रख देंगे 6 से 7 घंटों की जो बटर स्कॉच आइसक्रीम है
वो रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, ये देख के आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ट्राई करते कि स्कूप बन जाए। जी हम लोग की जो बटर स्कॉच आइसक्रीम है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। मैंने इसको यहाँ पर डिश आउट कर दिया है, बहुत ही क्रीमी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि कमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो हमें याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।